हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे कुछ बेलों वाले प्लांट जिनको आप जो है गमले में ग्रो कर सकते हैं। उनके नेम और प्राइस इस वीडियो में बताऊंगी, और जितने भी प्लांट हैं मैंने भी जो है इनको गमले में ग्रो किया हुआ है। तो चाहो तो इनको आप जो है गमले में ग्रो कर सकते हैं। तो ये गर्मियों में फूल देंगे आपको, सभी के सभी परमानेंट हैं। तो सबसे पहला प्लांट देखिए, ये ट्रम्पेट वाइन। तो इस प्लांट को अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो ये चल जाता है गमले में। थोड़ा सा गमले का जो साइज़ है बड़ा लेना पड़ेगा, 14 इंच का या 16 इंच का पॉट लीजिए और फिर इसको लगाइए। तो ये प्लांट जो है गमले में बहुत ही आसानी से आपको ढेरों फूल दे सकता है, और परमानेंट है ये। 70-80 से लेके 100 रुपये तक नर्सरी पे मिल जाएगा। और इसमें इस तरीके से एक छोटे फूलों वाली भी टाइप होती है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से इसमें पूरी गर्मियाँ जो है बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, और बिना केयर के ये प्लांट आपको ढेरों फूल देगा। गमले में लगा रहे हैं तो थोड़ा जो है पानी का और खाद का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ज़मीन में अगर लगाओ तो फिर इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती, और पूरी गर्मियाँ आपको इस तरीके से ये प्लांट जो है फ्लावरिंग देते हैं, और ग्रीनरी तो होती ही है और साथ में फूल भी ढेरों इस पर खिलते हैं और पूरी गर्मियाँ खिलते रहते हैं। तो अगला प्लांट देखिए, बोगनविलिया है। बोगनविलिया को आप जैसे ये ज़मीन में अच्छे से फ्लावरिंग देता है वैसे ये गमले में भी दे सकते हैं, और गमले में भी बहुत ही अच्छे से चलता है। और ये देखिए, मेरे पास जितने भी प्लांट हैं मैंने इनको गमले में ही लगाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी ये फ्लावरिंग करते हैं और डिफरेंट कलर भी आपको मिल जाते हैं। प्राइस की बात करूँ तो 70-80 से लेके 100-150-200 तक इसके प्राइस रहते हैं। जितना बड़ा प्लांट होगा उतने ज़्यादा प्राइस होंगे, और साथ में जो है डिफरेंट जो इसकी टाइप भी होती हैं उनके भी प्राइस डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा टाइप ले रहे हैं। तो ये भी गमले में बहुत ही अच्छे से आपको फ्लावरिंग दे सकता है। इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है जब तक इस पर फूल नहीं आ रहे हैं। अगर आप ज़्यादा पानी देते चले जाएंगे तो इसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते आते हैं। तो इससे जो है अगर फ्लावरिंग लेना चाहते हैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल में पानी दीजिए, थोड़ा सा कम पानी दीजिए, तो फिर इसमें फूल आने लग जाते हैं। तो जब फूल आने लग जाएं फिर आप इसको थोड़ा सा जो है पानी देते रहिए डेली, जब एक दिन छोड़ के एक दिन दीजिए। तो इस तरीके से ये है बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। गर्मियों में अच्छे से फ्लावरिंग करता है, मगर थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग जी पूरा साल ही करता है बोगनविलिया। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक प्लांट है जिसमें कोई पेस्ट अटैक भी ज़्यादा नहीं होते हैं। तो गमले के लिए एक बेस्ट प्लांट है अपराजिता। तो ये देखिए, मैंने भी पहले ज़मीन में भी लगाया था, मैंने अभी मैंने ज़मीन से इसको हटा दिया है और 2 गमलों में लगाया हुआ है। एक जो एक बकेट होती है प्लास्टिक की उसमें लगाया, और एक जो है 14 या 16 इंच का पॉट है उसमें लगाया हुआ है। तो दोनों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। और ये देखिए, मेरे पास डबल पेटल वाला ब्लू कलर का है, तो इसमें डबल पेटल, सिंगल पेटल और कलर भी इसमें जैसे वाइट है या रेड वगैरह या पिंक भी होते हैं। तो कोई भी आपको जो मिले नर्सरी से तो ले सकते हैं। प्राइस इसका भी जो है 30-40 से लेके 50-60 या 100 रुपये तक भी कहीं कहीं रहता है। और एक बार ले आएंगे तो आपको कभी भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस पर बहुत सारे सीड बनते हैं और सीड से इसका प्लांट जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अगर अभी भी आप इसका लगाना चाहते हैं सीड से तो लगा सकते हैं। सीड से इसका जो प्लांट है 7-10 दिन में जो है तैयार हो जाता है, और गर्मी के दिन में तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से, अगर बुश बनाना चाहते हैं उसको, तो पिंचिंग करते रहिए ऊपर से, जो उसकी न्यू शूट्स निकले उसको पिंच कर दीजिए, तो उस तरीके से ये प्लांट जो है बुशी बन जाता है। तो ये प्लांट है झुमका बेल, या मधुमालती बोलते हैं इसको। तो ये भी एक परमानेंट प्लांट है, और एक बार आप लगा लेंगे तो सालों साल आपके पास बना रहेगा और पूरी गर्मियाँ फूल देता रहेगा। इसमें जो फूल थोड़े बहुत जो है नवंबर दिसंबर तक आते रहते हैं, 2-3 महीने ये रहता है डोरमेंसी में, मतलब उसमें फूल नहीं खिलते हैं, प्लांट बना रहता है। मगर जैसे ही मार्च आता है इसमें न्यू लीव्स और साथ में कलियाँ आने लगती हैं, और इस तरीके से मैं अप्रैल में इसमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं और पूरी गर्मी आते रहते हैं। तो इसको भी लगा सकते हैं आप। और इसके प्राइस की बात करूँ तो मैं इसको 100 रुपीज़ में लाई थी 1 या 1.5 साल पहले, पिछले साल तो लाई थी। तो मेरे पास ये अभी भी है और मैंने इसको ज़मीन में लगाया हुआ है। तो जिनको पास जो है ज़मीन नहीं होती है तो ये गमले में बहुत ही अच्छे से आपको ढेरों फूल दे सकता है और परमानेंट भी रहेगा आपके पास। तो देखिए, ये टिकोमा है। तो टिकोमा भी एक बुश या बेलनुमा ही प्लांट होता है जो गमले में बहुत ही आराम से जो है इस तरीके से ढेरों फूल दे सकता है। और इसमें देखिए छोटे छोटे फूल आते हैं, और इसमें जब गर्मियों में ढेरों फूल आते हैं। इसके प्राइस की बात करूँ तो मैं इसको 100 रुपीज़ में ही लाई थी,
तो गमले के लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है जिसमें ढेरों फूल आते हैं गर्मी के दिनों में। तो इसको भी जब आप लगाएं, थोड़े से बड़े गमले में लगाएं, तो फिर जो है फ्लावरिंग अच्छी होती है, प्लांट की जड़ों को जो है फैलने के लिए जगह मिलती है। 12-14 इंच के गमले में स्टार्टिंग में लगाएं, तो फिर जो है अगले साल जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए तो 1-2 साल में आप जो है गमला भी इसका बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, बेलनुमा ना बना के आप इसको बुश भी बना सकते हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हैं नर्सरी पे। इन दिनों ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है और प्राइस भी जो है 100 रुपीज़ ही होता है इसका। तो अगला प्लांट जो बेलनुमा होता है और गमले में भी बहुत ही अच्छे से चलता है, तो ये देखिए ये अलमंडा है। तो इसमें देखिए इस तरीके से काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं, जैसे ये मैरून कलर है, इसमें और भी कलर होते हैं। और ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है जिसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, सुबह की 2-3 घंटे की धूप या 4 घंटे की धूप, उसके बाद जो है सेमी शेड एरिया हो, बहुत ही अच्छे से चलता है और गर्मियों में फूल देता है। ये भी परमानेंट होता है। इसके प्राइस की बात करूँ तो मैं इसको 70 रुपये में लाई थी, तो इस तरह का ही इसका प्राइस कहीं कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसको भी लगा सकते हैं आप और इस तरीके से इसमें फूल पा सकते हैं। इसको भी देखिए, मैंने इसको 10 या 12 इंच का गमला है उसमें लगाया हुआ और अच्छे से ये फूल दे रहा है। तो ये देखिए ये है ब्रीडिंग हर्ट, तो ये भी गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें देखिए इस तरीके से वाइट कलर के फूल खिलते हैं और बीच में से रेड कलर का भी फूल खिलता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। और ये भी परमानेंट होता है, नर्सरी पे आपको ये 100 रुपये में मिल जाएगा और सालों साल रहता है। और इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है, बरसात के दिनों में जो सर्दी के सीज़न में आप लगा सकते हैं इसकी कटिंग। मोगरा या जास्मीन, मोतिया, इस तरह के इसके नाम होते हैं। और देखिए इसकी जो कलियां हैं वो मोती की तरह लगती हैं, जैसे वाइट मोती होते हैं तो उस तरह की लगती हैं। और इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट और फूलों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी होती है। इसको भी आप बेलनुमा भी बना सकते हैं और बुश रूप में भी ये बन जाता है। ये भी परमानेंट होता है और सस्ता भी रहता है, ये 50 रुपये का मिल जाएगा आपको नर्सरी पे। और पूरी गर्मियाँ ये फूल देता है और पूरा साल बना भी रहता है। गमले के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, मैंने इसको ज़मीन में लगाया हुआ है तो गमले में भी बहुत ही अच्छे से चलता है। अच्छे से आप इसको फर्टिलाइज़ कीजिए तो गर्मियों में ये खुशबूदार आपको फूल देगा और बहुत ही ग्रीनरी होती है इसके पत्तों में, साथ में जो ऊपर इसके फूल खिलते हैं वाइट कलर के और जो इसकी कलियां होती हैं मोती की तरह, इसकी जो कलियां बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में फूलों के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्लांट, बेलनुमा प्लांट, जिनको आप जो है गमले में ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।